हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स इन कॉमर्स। दिस इज एसएसटी एडुपीडिया। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर मयूर माथुर एंड टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ लुक ऑन द टॉपिक दैट इज एडवर्टाइजिंग। कोर्स विल बी अ TYBMM एंड टॉपिक विल बी द एडवर्टाइजिंग। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द एडवर्टाइजिंग व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। लेट्स स्टार्ट। तो आइए देखते हैं हम क्या देखने वाले हैं एडवर्टाइजिंग में। सो आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एडवर्टाइजिंग, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है TYBMM के सेम 5 में। सो हम इसको उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एडवर्टाइजिंग होती क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइज का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजिंग इज एन एक्शन ऑफ कॉलिंग पब्लिक अटेंशन आइडिया गुड्स और सर्विसेस through paid announcements by an identified sponsor। Advertising क्या है? Advertising लोगों का ध्यान अपने तरफ खींचती है। एक paid communication है जिससे लोग जो है आकर्षित होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे एक पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, एक पिज्ज़ा है जिसमें दिखाया गया है 50% ऑफ एवरीडे ऑफर। सो ये क्या है? ये एक आकर्षक करने की जो है एक तरकीब है जो एडवर्टाइजिंग करता है। उससे हमें बहुत सारी और चीजें मिलती हैं, तो वो हम आगे देखेंगे, बने रहिए। एडवर्टाइजिंग इज कम्युनिकेटेड थ्रू वेरियस मास मीडिया। किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट कम्युनिकेट होती है? देयर आर टू वेज। फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल, सेकेंड इज न्यू मीडिया। व्हाट इंक्लूड्स इन द ट्रेडिशनल? इट इंक्लूड्स न्यूज पेपर्स, टेलीविजन, मैगजीन्स, रेडियो, आउटडोर एडवर्टाइजिंग एंड डायरेक्ट मेल। ओके, एंड व्हाट इंक्लूड्स इन द न्यू मीडिया? इट्स ब्लॉग, सोशल मीडिया एंड वेबसाइट्स एंड सो ऑन। सो द कम्युनिकेशन इज बीन डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स विच यू कैन सी इन योर स्क्रीन। नाउ विल हैव लेट्स लुक ऑन अ डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग। वॉट इज अ डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग? इन अ सिंपल वर्ड एंड अ मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग कैन बी अ पेड कम्युनिकेशन मैसेज इंटेंडेड टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट समथिंग और टू इन्फ्लुएंस देम टू बाय और ट्राई समथिंग। सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको इसको इसका मीनिंग बताऊं कि डेफिनेशन का मीनिंग क्या है, सो एडवर्टाइजिंग क्या है? एक पेड कम्युनिकेशन है जिससे हमें एक मैसेज मिलता है, लोगों की तरफ मैसेज पहुंचाते हैं। किस चीज़ के लिए? उनको इन्फ्लुएंस करते हैं किसी ना किसी चीज़ के लिए कि आप उसको बाय करो या उसको ट्राई करो। ओके, तो दिस इज द सिंपल एंड मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ द एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट लेट्स Have a look on the benefits of the advertising. Advertising के benefits क्या है हम वो देखेंगे और जानेंगे। So first one is introduce a new product in the market. So advertisement helps us to introduce a new product in the market. It stimulates the people to purchase the goods and services. कोई भी new product launch होता है, उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में knowledge, उसके features के बारे में हमें advertising के through पता चलता है। So new product को launch करने में एडवर्टाइजमेंट का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपांशन ऑफ द मार्केट। एक्सपांशन ऑफ द मार्केट मतलब सर एक से हम दूसरे चीज में एक्सपांड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगा, आप लोगों ने देखा होगा येवले टी करके, येवले चाय। पहले वो कहीं एक ही जगह थे, बट अभी वो धीरे 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 सभी जगह में जो एक्सपांशन कर रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स लाइक एक्सपांशन। सो वॉट डू यू एक्सपांशन ऑफ मार्केट मीन्स? इट इनेबल्स द मैन्युफैक्चरर टू एक्सटेंड हिज मार्केट। जो मैन्युफैक्चरर है उसको अपना एरिया जो है वो एक्सटेंड करने मिलता है। इट हेल्प्स इन एक्सप्लोरिंग अ न्यू मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट वाइल रिटेनिंग द एग्जिस्टिंग मार्केट। मतलब इसका मतलब क्या है? जहाँ पे मेरा प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी बिक रहा है वहाँ पे तो कंटिन्यू ही रहेगा, बट एक न्यू एरिया जो है हमें वो मिलेगी इसको सेल करने के, हमारे एक्सपांड करने के लिए। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, आप अपना प्रोडक्ट एक्सपांड करोगे, उसको लोगों को उसके बारे में बताओगे, सो डेफिनेटली द सेल विल गोइंग टू इंक्रीज। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन सेल। विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग द डिमांड फॉर द गुड्स एंड द सर्विसेज विल बी मोर एंड इट लीड्स टू इंक्रीज इन सेल। क्या होता है कि हम लोग एडवर्टाइज करते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आप छोटे बच्चों को ही देख लो। सो एक प्रोडक्ट मैं आपको बताऊंगा, किंडर जॉय करके एक प्रोडक्ट आता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट से बच्चों को मालूम पड़ता है कि उसमें ऐसे टॉयज आते हैं या उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं।
सो वो जब भी जाएगा तो अपने डैडी को बोलेगा या मम्मी को बोलेगा मुझे ये चाहिए, तो ये उसको किस तरीके से पता चला, सो बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजिंग, सो एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज इट फाइट्स कॉम्पिटिशन. डेफिनेटली द एडवर्टाइजमेंट इज गोइंग टू फाइट द कॉम्पिटिशन. जैसे कि आप देख सकते हैं कंटिन्यूस एडवर्टाइजिंग इज मस्ट टू सर्वाइव इन द मार्केट एंड इन ऑर्डर टू सेव द प्रोडक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट. अभी आपके सामने यहाँ पे दो मैंने एक कोका कोला एक पेप्सी है, कंटिन्यूस एडवर्टाइजिंग होती रहती है. इसका एक और छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप फेयर एंड लवली क्रीम को ले लीजिए, ठीक है, तो फेयर एंड लवली क्रीम कभी क्या होता है, कभी नॉर्मल क्रीम निकालते हैं, कभी HD ग्लो, कभी और कुछ, तो उसमें क्या करते हैं वो कंटिन्यूस चेंजेस करते रहते हैं और उस चीज़ को एडवर्टाइज करते रहते हैं. सो इट हेल्प्स टू फाइट द कॉम्पिटिशन. इसमें और एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इस जॉनसन बेबी पाउडर्स आप ले लो, जॉनसन के प्रोडक्ट, अगर कोई भी बेबी बॉर्न होता है सो डेफिनेटली दे यूज द जॉनसन प्रोडक्ट्स. सो इसमें कैसा होता है वो एडवर्टाइजमेंट अगर कंटिन्यू चलता रहता है सो हमें कॉम्पिटिशन के फाइट करने में हेल्प होती है. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5th इज इट एडुकेट्स द कस्टमर. क्या करता है ये, कस्टमर को एडुकेट करता है, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि किस तरीके का प्रोडक्ट है, इसके फीचर्स क्या है, किस तरीके से ये यूज होता है. सो एडवर्टाइजिंग इट्स एजुकेशनल इन नेचर, इट गिव्स कस्टमर्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द गुड्स, रिगार्डिंग द सर्विसेज एंड रिगार्डिंग द लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू द कस्टमर और द पीपल वॉन्ट्स टू नो. सो इन सिंपल थिंग्स द एडवर्टाइजमेंट्स हेल्प्स द कस्टमर टू नो अबाउट द प्रोडक्ट, टू नो अबाउट द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, नेक्स्ट इज मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर द मैनी टैलेंटेड पीपल. तो सिंपली आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, होर्डिंग्स के थ्रू या पेम्पलेट्स के थ्रू लिखा होता है वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी. सो वहाँ पे जो नीडी लोग हैं, जो नीडी पर्सन है उसको वहाँ पे जा सकते हैं और वो वैकेंसी को अपॉर्चुनिटी जो है वो ग्रैब कर सकते हैं, या लिखा होता है वी आर हायरिंग, ज्वाइन अस वैकेंसी जॉब. सो दीज आर ऑल थिंग्स के यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं, ठीक है. सो कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाता है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अ बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. सो वॉट हैपेंस इन दिस, अ ब्रांडेड गुड्स एंड सर्विसेज आर एडवर्टाइज एंड बींग ब्रांड नेम अटैच टू द प्रोडक्ट. ओके, द मैन्युफैक्चरर्स मेक श्योर टू प्रोवाइड अ क्वालिटी प्रोडक्ट अंडर द ब्रांड, अंडर देयर ब्रांड नेम. इसमें क्या होता है सर, जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने ब्रांड को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह कैसे जो है कंटिन्यू और बरकरार रखता है, वो उसको इस तरीके से क्वालिटी मेंटेन करता है ताकि उसका ब्रांड, जैसे मैंने अभी आपको पहले एक छोटा एग्जांपल बताया कि जॉनसन बेबी जो जॉनसन के प्रोडक्ट्स हैं, सो इस तरीके से लोगों के माइंड में उन्होंने एडवर्टाइज किया है कि कोई भी बेबी बॉर्न होगा तो उस हिसाब से दे विल यूज अ जॉनसन बेबी प्रोडक्ट्स. सो इस तरीके से जो है वो बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो एडवर्टाइजमेंट में होते हैं. यहाँ पे है एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन. अब यहाँ पे क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट एम्स एट क्रिएटिंग अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर, देयर बाय इट्स एलिमिनेट्स द मार्केटिंग इंटरमीडियरीज. इट्स बेनिफिट टू बोथ द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर. कैसे होता है ये, आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ. कभी कभी आपने टीवी ऑन करते हो तो कुछ नापतोल चलता है या कुछ ऐसे सेलिंग प्रोडक्ट्स की एड्स आती हैं. सो वॉट दे डिड, जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्ट एडवर्टाइज करते हैं टू द कंज्यूमर कि आप इस नंबर पे कॉल कीजिए या ऑनलाइन बुकिंग कराइए, सो आपको ये प्रोडक्ट आपके घर पे ही मिल जाएगा ऑनलाइन पेमेंट करके. सो इसमें क्या होता है, वॉट हैपेंस इन दिस, इन दिस देर इज अ एग्जिट, देर इज नो एनी मिडल मैन, कोई भी मिडल मैन नहीं रहता है इसमें, और सिंपली जो है वो डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर. सो इससे क्या होता है, मैन्युफैक्चरर को थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट होता है. प्रॉफिट होता है क्यों, क्योंकि बिकॉज जो मिडिल मैन था बीच में वो हट जाता है. ओके, सो इट्स बेनिफिशियल फॉर बोथ. सो एडवर्टाइजमेंट वहां पे भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करते हैं, ठीक है. अब हमने यहाँ पे यहाँ तक देखा कि किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट जो है हमें बेनिफिट्स देती है, ठीक है. आज अभी और हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने तरीके के, कितने टाइप्स के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, वो आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं. सो आप लोग सब लोग बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है आगे का क्वेश्चन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारा इसमें जो आपका सिलेबस है, जो TYBMM सेम 5th का सिलेबस है, इसमें कवर किया गया हुआ है. सो आप लोग यहाँ पे बने रहिए. नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ लुक ऑन अ टॉप
टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अभी हमने देखा एडवर्टाइजमेंट के बेनिफिट्स क्या होते हैं, अभी हम देखेंगे उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट टाइप। तो टाइप नंबर वन इज कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट। सर ये क्या होता है? व्हेन द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस अ वाइड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स डू दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सर अगर ऐसा कोई एक मैन्युफैक्चरर है जो बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करता है, सो वो ये एडवर्टाइजमेंट करता है। इसमें क्या होता है सर? दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज टारगेटेड टूवर्ड्स अ कंज्यूमर एट लार्ज। ये ज्यादा करके जो कंज्यूमर को हमें टारगेट करते हैं, जैसे आप देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एक प्रोडक्ट लेता हूँ, बालाजी ले लेता हूँ या नेस्ले ले लेता हूँ, कि अगर मैंने वो प्रोडक्ट देखा तो उसके नेस्ले के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको एक पिक्चर देखने बोलूँ जो टाइप्स के नीचे ही एक आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, वो पिक्चर अगर मैं आपको देखने बोलूँ तो उसमें दिख रहा होगा आपको एक ही जगह पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो वो क्या होता है? जैसे कैडबरी हो गया, सो इट्स डायरेक्टली फॉर द कंज्यूमर्स, ठीक है, इट्स नोन एज अ कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजमेंट। अब इसमें क्या होता है? देखो पहले था उसमें क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्ट एडवर्टाइज करता है कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है। बट अभी यहाँ पे इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरर है वो कंज्यूमर्स के लिए एडवर्टाइज नहीं करता है, वो एडवर्टाइज करता है मैन्युफैक्चरर्स के। मतलब सर इसमें क्या होता है, थोड़ा क्लियर कीजिए। यस डेफिनेटली दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज बीन डन बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स एंड इट्स टारगेटेड टूवर्ड्स द इंडस्ट्रियल्स बायर ओनली। मतलब क्या होता है सर? ये इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कुछ कुछ जो है स्पेयर पार्ट्स हो गए या मशीनरी के कुछ स्क्रूज हो गए या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो फिर से हमें मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ही काम आने वाली है। तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री इस एडवर्टाइजमेंट को बोलते हैं इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजमेंट। मतलब एक ए इंडस्ट्री किसी बी इंडस्ट्री को कोई गुड सप्लाई कर रही है, बट वो ए इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कर रही है, सो इट्स नोन एज एन इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे क्या होता है, दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज ऑफन गिवन इन द जर्नल्स, बिजनेस मैगजीन्स और न्यूज़पेपर, ठीक है। और मेनी अ टाइम्स सच प्रोडक्ट्स आर सोल्ड थ्रू द पर्सनल सेलिंग ऑल्सो। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो स्क्रूज बनाता है, और किसी दूसरे का बी पर्सन का दूसरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे वो स्क्रूज काम आते हैं, तो दे विल ए विल गो टू द बी एंड ही विल से कि सर मेरे पास ये मैन्युफैक्चरिंग होता है, आपको इसकी नीड लगती है, सो आई कैन सप्लाई। तो दिस इज अ टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर इंडस्ट्री, सो इट्स नोन एज एन इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट व्हाट इज द नेक्स्ट? नेक्स्ट इज एन इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजमेंट। अभी इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज डन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इमेज। क्या होता है इसमें ऑब्जेक्टिव? सर इसमें ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपकी जो इमेज है वो पॉजिटिवली क्रिएट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए एडिडास का एक एग्जाम्पल दिया है, सो एडिडास इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट रेनाउंड स्पोर्ट्स कंपनी, आप सबको पता ही होगा, स्टार्टेड द कैंपिंग टू डोनेट 10% ऑफ देयर सेल प्रोसीड्स टू पुअर ऑर्फनेज इन अफ्रीका। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक इंस्टीट्यूशन है एडिडास, उसको अपना पॉजिटिवली नाम करने के लिए उन्होंने क्या बताया है, डेट मीन्स वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एक अफ्रीका के ऑर्फनेज में वो लोग डोनेट करते हैं। सो दिस इज अ टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनल। यहाँ पे एक और आप ले सकते हो, क्लासमेट करके बुक्स आती हैं, सो उसके एडवर्टाइज में भी हमें दिखाते हैं कि कुछ हिस्सा इसका जो है स्टूडेंट्स के बच्चों के पढ़ाई के लिए जाता है, या तो निहार शांति अवला के जो हेयर ऑयल होता है वो एग्जाम्पल आप ले सकते हो, उसका अगर आप एड देखोगे उसमें भी वो लोग बताते हैं कि कुछ परसेंटेज जो है इसका वो स्टूडेंट्स के भलाई के लिए जाता है। सो दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इज डन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इमेज। इट्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड मेनली एम्स एट द हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ फैक्ट और इनडायरेक्ट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग। क्या है ये? फैक्ट्स बताते हैं और ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग है, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल, दैट इज नेशनल एडवर्टाइजिंग। क्या किस चीज के लिए होगी? पूरे नेशन के लिए होगी। दिस एडवर्टाइजिंग विल बी फॉर फुल नेशन। अब इसमें क्या होगा, व्हेन मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट फॉर द एंटायर कंट्री एंड एडवर्टाइजेस प्रोडक्ट इन द होल कंट्री, इट इज सेड टू बी अ नेशनल एडवर्टाइजिंग। सर अगर कोई मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट पूरी कंट्री के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और वो पूरे कंट्री में अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहा है, उसको बोलते हैं नेशनल एडवर्टाइजिंग। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, अमूल, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया ऐसे लिख के आता है, इट्स फॉर अ नेशन,
सो अमूल बिंग अ नेशनलाइज प्रोडक्ट ऑफ इंडिया एडवर्टाइजेस इटसेल्फ थ्रू आउट द कंट्री. सो आप देख सकते हैं अमूल के कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे होंगे. सो इट्स एन अमूल अ टेस्ट ऑफ इंडिया. पूरे इंडिया में वो जो अपना प्रोडक्ट है वो सेल करते हैं. सो इट्स कॉल्ड अ नेशनल एडवर्टाइजिंग. ओके नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल. नाउ नेशनल हमने देखा, अब देखेंगे इंटरनेशनल क्या होता है. इंटरनेशनल में क्या होता है, सो द मल्टीनेशनल फर्म्स विच प्रोड्यूसेस द प्रोडक्ट ऑफ मैनी कंट्रीज डू दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग. अभी इसमें क्या होता है सर, ऐसी ऐसी जो कंपनीज हैं, ऐसी जो मल्टीनेशनल कंपनीज में बोलना चाहूँगा यहाँ पे, जो ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी से जो पूरे वर्ल्ड के लिए अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सो उसको बोलते हैं मल्टीनेशनल. ठीक है, दे हैव अ टारगेट ऑडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड. नेशन में क्या था, हमारे नेशन के लिए, यहाँ पे क्या है, पूरे वर्ल्ड के लिए. दो बेस्ट एग्जाम्पल्स है KFC एंड मैकडी. मैकडोनल्ड्स एंड KFC आर द टू बेस्ट एग्जाम्पल्स फॉर अ इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग. और एक है यहाँ पे टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग में, दैट इज क्लासीफाइड. अब क्लासीफाइड क्या होता है सर, क्लासीफाइड आपको दिख रहा होगा, छोटे छोटे बॉक्सेस में इसको क्लासीफाई करते हैं. ठीक है, आओ देखते हैं क्या होता है. इन क्लासीफाइड एडवर्टाइजिंग वेरियस एड्स आर क्लासीफाइड अंडर द हेडिंग्स सच एज जॉब्स, वैकेंट, लॉस्ट एंड फाउंड, रेंटल्स, सेल्स, मैट्रिमोनियल्स एंड एक्सेट्रा. अब इसमें क्या होता है, देखो आपको साइड में दिख रहा होगा, कुछ बिजनेसेस के लिए है, कुछ वैकेंसीज के लिए है, कुछ मैट्रिमोनियल्स के लिए है. सो दीज आर द क्लासीफाइड स्मॉल स्मॉल टेक्स्ट. इसमें जो चार्जेस हैं वो पर लाइन या पर टेक्स्ट या पर पेज के हिसाब से इसमें होता है. और जो है इसमें कैसे होता है, एड्स आर नॉर्मली सेट वन आफ्टर द अनदर, जैसे कि आपको दिख रहा होगा. इन रिसेंट टाइम वन कैन ऑल्सो फाइंड द यूज ऑफ कलर्स एंड क्लासीफाइड. बहुत सारे तरीके हैं, बट क्लासीफाइड हमको इसमें समझना है कि छोटे छोटे बॉक्सेस में ये क्लासीफाइड होता है. ओके नेक्स्ट इज जेनेरिक एडवर्टाइजमेंट. जेनेरिक में क्या होता है, सिंपल है सर, जेनेरिक एडवर्टाइजमेंट इज अ टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग डिजाइन टू प्रमोट अ जर्नल प्रोडक्ट रेदर देन अ स्पेसिफिक ब्रांड. कोई एक स्पेसिफिक ब्रांड को हम लोग प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम लोग जर्नली. अभी आप लोग एग खाते हो तो एग का कोई ब्रांड होता है? नहीं सर, एग का तो कोई ब्रांड नहीं होता है. सो एग इज इन दैट दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ जेनेरिक एडवर्टाइजमेंट. आपने सुना होगा संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे. तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ जेनेरिक एडवर्टाइजमेंट. सो वेन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज जनरली प्रमोटेड इज कॉल्ड अ प्राइमरी डिमांड ऑफ द एडवर्टाइजमेंट. सो इसको बोलते हैं जेनरिक एडवर्टाइजमेंट. सो आज हमने यहाँ पे देखा कि बेनिफिट्स क्या होते हैं एडवर्टाइजमेंट के और कितने तरीके के टाइप्स क्या होते हैं एडवर्टाइजमेंट के. सो आई होप सो आप सभी लोगों को अच्छा होगा. आई इंसिस्ट यू ऑल के आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलना. बेल आइकन को प्रेस कीजिए आगे के अपडेट्स आने के लिए. सो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.